हाय एवरीवन, माय सेल्फ असगर अली, फाउंडर ऑफ कलाभूमि आर्ट्स। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं आर्ट्स और फाइन आर्ट्स और डिप्लोमा सेशन। देखिए लास्ट हम काफी चीजें आपको ब्रीफ कर चुके हैं, बट कुछ और क्वेश्चंस के साथ साथ में आज हम फाइन आर्ट्स की और बेसिक डिटेल्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, देखिए डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स बेसिकली अगर हम बात करें तो 10-12 अगर आपको 4-5 ईयर्स अपने सेव करने हैं, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आप डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट पॉइंट है। इसलिए डिप्लोमा सेशंस आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करता है फील्ड को लेकर, जिस फील्ड्स में आप डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर या किसी भी अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो हमने पहले डिफाइन किया निफ्ट, नाटा, NID, उन सभी में कहीं ना कहीं अगर आपको क्लियर होकर, यानी कि आपका विजन क्लियर है और आप स्किल्स वाइज कॉम्पिटिशन को चेज करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन आपको ब्रीफ करता है, क्लियर करता है और आपको कॉन्फिडेंटली आपको एलिजिबल करता है उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डिप्लोमा मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म लाइफ को देखते हुए जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, करियर काफ़ी शॉर्ट होता है, तो उस चीज़ को देखते हो कि हाँ 4-5 साल, 8 साल अगर हमारे ख़राब ना हो। लोगो डिज़ाइनिंग हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, कंपोजिशंस हो गया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विदाउट स्किल्स, विदाउट मैनुअल ड्राइंग नहीं हो पाती हैं, और वो फिर आपको सॉफ्टवेयर में आपको कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना होता है। तो वहाँ पर आपकी स्टैटिक सेंस, आपकी कलरिंग सेंस, आपकी विजुअल सेंस, उन सभी चीज़ों को फाइन आर्ट्स ही कहीं ना कहीं आप जो है क्लियर करती है। आफ्टर डिप्लोमा कलाभूमि आर्ट्स से निकलने के बाद आज हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है जॉब्स कर रहे हैं, काफी बड़ी MNCs है जहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा काफी बड़े स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में आज जो है स्टूडेंट्स हमारे वर्क कर रहे हैं। मेनली चीज है उनका यहाँ से 1-2 साल के अंदर स्किल्स वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और क्रिएटिविटी वाइज सक्सेसफुल तैयार होना। वो सब चीज़ें कहाँ पर पॉसिबल हुई, जहाँ हमने उनको स्पेशल टेंशन दिए, स्पेशल उनकी केयर किया, देन उनको जॉब को प्रिपेयर किया। उसके बाद आज अगर हम बात करें तो आज बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में अटैच होकर वो जो है आज काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल जो है अर्निंग सोर्स भी ले रहे हैं। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कुछ जॉब आपका एज का कुछ फैक्टर इसके अंदर है, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अपनी हॉबी को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, पैशन तो आपका बन जाएगा, और उस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सीखकर अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर, अपने काम के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।